हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं बरेली, संजय भाई का एग्जाम है SSC का। आज ये ब्लॉग शूट हो रहा है 24 मई को और आप लोग मौसम तो देख ही सकते हैं, मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बस इतना ज्यादा प्यारा भी ना हो जाए, जो बारिश हो जाए, हम लोगों को ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए और एग्जाम भी ना हो पाए, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। लगभग सिटी से निकलने में हम लोगों को लगा है 45 मिनट और अब जाके हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे। आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो को इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हवा चल रही है उसकी नॉइस आपको बहुत ज्यादा वैसे भी सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन ऐसे कुछ हद तक कम हो जाती है। फिलहाल अपनी गाड़ी निकल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे वो अपने लोग उससे होते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस चीज में तो संजय भाई प्रो हैं, यहाँ से निकाल देंगे आराम से। टाइम कम होता जा रहा है, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। यहाँ से बरेली तक पहुँचने में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो बरेली सिटी में जब हम लोग एंटर करेंगे तब जाम मिल सकती है, उसमें ही टाइम लगता है। अगर कोई भी भाई कटरा से अगर ब्लॉग देख रहा है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये क्या है, मतलब ये किस चीज की फैक्ट्री है, क्या है ये। हम लोग आ चुके हैं फरीदपुर और अभी यहाँ पे भाई इतनी गलत तरह से कुछ बंदे क्रॉसिंग कर रहे थे भाई, इतनी गलत तरीके से कर रहे थे जो खुद का तो नुकसान कराते और हम लोगों का भी करवा देते। हम लोग बरेली आ चुके हैं लेकिन मेन जो सिटी का रास्ता है वो अंदर से जो जाता है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वहां पे जाम मिलेगी। अब हम लोग मुरादाबाद रोड पे बाहर निकलेंगे यहाँ से और जो कॉलेज है वो पड़ता है नैनीताल रोड पे। साहब जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके नीचे से जो है कॉलेज पे पहुंचने के लिए रोड है और इसमें भरा हुआ है पानी और अगर गाड़ी रुकी तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। कितना इसमें है ये भी अंदाजा नहीं है कुछ। चलो भाई हिम्मत कर दी हिम्मत, भाई रुकना नहीं चाहिए बीच में गाड़ी। अब भाई बुलेट वाले भैया तो निकल गए। फिलहाल भाई साहब रुकनी नहीं चाहिए, फिलहाल अगर गाड़ी रुकी तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। यो संजय भाई जिंदाबाद, निकाल दो। क्रॉस कर लिया भाई। ये अंडरग्राउंड संजय भाई जा रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, मेन गेट से एंट्री नहीं दे रहे हैं, इधर साइड से जो लगा रखा गेट वहां से है एंट्री। फिलहाल संजय भाई की एंट्री हो चुकी है, मैं इंतजार करूंगा। एक आ रहे हैं संजय भाई।
अभी संजय भाई दोबारा आए थे, पेन मुझको वापस करके गए हैं क्योंकि ये पूरा एग्जाम जो है ऑनलाइन बेस्ड है। 1:30 पे एग्जाम छूटेगा, तब तक मेरा टाइम कैसे कटेगा वो हम ही जाने। यहाँ पे बेल्ट वगैरह सारा कुछ निकलवा लिया, फिलहाल धूप काफी तगड़ी हो रही है अभी, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं वैसे और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे संजय भाई आ जाओ यार, पेपर हो गया होगा तुम्हारा। सबसे तगड़ा काम लगता है इंतजार करना। इंतजार करना मतलब टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम छूट चुका है, अब संजय भाई बाहर आ ही रहे होंगे। संजय भाई तो पहली फुर्सत में बहुत ज्यादा जल्दी में होंगे, देर हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ संजय भाई कैसा हुआ? मेरे भाई संजय भाई आ चुके हैं भाई, भाई बैठे बैठे बोर हो गए एक घंटे। खराब होता है यार, मतलब निकल नहीं सकते। क्यों पहले क्यों नहीं निकल सकते भाई? अनाउंसमेंट होगा तभी जाओ। आफ्टर अनाउंसमेंट भाई निकलने देते हैं भाई। हमने तो कभी दिया नहीं पेपर यार ये वाला। अब की बार के बस आके आ गया। बाइक वो खड़ी है। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही था कि आज मेरा एग्जाम था, और एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा भूख लगी थी तो खाना खाया, और खाना खाने के बाद अभी हम लोग निकले हुए हैं शाहजहांपुर के लिए। सुबह से ड्राइविंग करते करते मैं तो थक गया था, अब हमारे सौरभ भाई जो हैं वो ड्राइविंग करेंगे। और आप लोगों को सबको पता ही होगा कि जैसे कि आज हम लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, तो बाइक से ट्रैवल करते हुए कुछ थोड़े से हम लोग आपको बताएंगे भी कि रास्ते में अभी जो नए टोल पड़ रहा है और जो कटरा वाला पुल है वो जो हम लोगों को जाम लगती थी, जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, हम लोगों को सीधा पुल से ही क्रॉस करना पड़ेगा। आपको दिखाते हैं, आप भी देखिएगा। पता होगा कि सुबह से मौसम थोड़ा सा खराब था और बादल भी अच्छे खासे थे, और बादल तो अब तो नहीं है, बादल इतनी धूप है भाई साहब, इतना धूप में तो बिल्कुल हालत खराब ही हो जानी है, और हालत खराब क्या हो जानी है, हो ही रही है हम लोगों की हालत खराब। और ये आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा मैं जूम दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टिस यूनिवर्टिस, जैसे कि हम लोग पहुंच गए हैं बरेली, और ये देख सकते हो ये जैसे हाईवे से हम लोग मुरादाबाद हाईवे वाले पकड़ा हुआ था हम लोगों ने, और ये यहाँ से अगर क्रॉस करेंगे तो आप लोगों को ये बरेली का जो है अंदर एंट्री, ये सामने से आप लोग इसमें एंट्री कर सकते हो बरेली के लिए, यहाँ पे बरेली के लिए एंट्री हो जाती है। भाई यार इस रोड पे चलते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि थोड़ा धूप भी ज्यादा है, और रोड आप लोगों को पता ही होगा कि रोड गर्मी के कारण थोड़ा सा गर्म हो जाती है, टायर फटने का भी डर रहता है, तो हम थोड़ा सा हल्के ही चलने के लिए सजेशन देंगे कि आप हल्के चले। भाई यार यहाँ पे जो रोड है ना बेहतरीन, यहाँ आप रोडों के साइडों में जो पेड़ लगे हुए देख रहे हैं ना, इतना प्यारे लगते हैं। संजय भाई को लगी थी प्यास, यहाँ पे रोक दिया, ये टोल जो नया बन रहा है उसके पास में भाई साहब ने गाड़ी रुकवा दी है, बोले पहले नंबर पानी उसके बाद में बाकी का काम। बरेली आने के लिए पहले तो कोई टोल नहीं लगता था, अब एक टोल की तैयारी हो रही है भाई, टोल कुछ ही टाइम में टोल भी स्टार्ट हो जाएगा। और भाई कमेंट में जरूर लिखना कि इस टोल का जो किराया या समझ लो आप फीस कटेगी वो कितनी कटेगी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। टोल क्रॉस कर रहे हैं, टोल भी लगभग तैयारी हो गया है, यहाँ पे इसलिए रुक गए थे कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे पेड़ बहुत ज्यादा ही पेड़ है, यहाँ पे छाया भी बहुत अच्छी है, अभी हम लोग रुके हुए हैं। भाई देखो आप कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहीं बस हम लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो सामने सूरज है इसलिए थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा,
भाई देखो ये ट्रक वाले भाई साहब भी जो हैं वो यहाँ पे धूप से बचने के लिए ही आराम कर रहे हैं, और आप देख लो यहाँ पे कितना ग्रीनरी है। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने हरियाली देख कर तो दिल खुश हो गया है। हम लोग निकसुआ क्रॉस कर चुके हैं, फतेहगंज जाएंगे। फतेहगंज से आपको हम कटरा वाला जो नया ओवर ब्रिज बना हुआ है वो दिखाएंगे, जिसके नीचे पहले बहुत जाम लगा करती थी, वहां पे रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण बहुत अच्छी खासी जाम लग जाती थी किलोमीटरों के हिसाब से। आप लोगों से भाई लोग कहा था कि आप लोगों को कटरा वाला पुल दिखाएंगे, तो कटरा वाला पुल जस्ट मेरे पीछे है, और जो ये नीचे के लिए रोड जाती है वो क्रॉसिंग के लिए चली जाती है। ये है अपना कटरा वाला पुल जिसपे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। समोसे कहाँ पे मिलते हैं वो दिखाने के लिए जस्ट हम लोग नीचे उतरे हैं पुल से। ये रहा अपना तिलहर वाला चौराहा, और ये रहे समोसे की दुकान फ्रंट में। अरे दूर से ही समोसे की स्मेल आने लगती है यार, क्या बेहतरीन। ये देखिए आप भीड़ जो लगी है ना, यहाँ पे समोसे ही मिलते हैं, ये फेमस दुकान है समोसों की। फिलहाल भाई हम लोगों को तो समोसे खाने नहीं थे क्योंकि हम लोग खाना खा के आए थे, और इसी के साथ भाई हम लोग आ चुके हैं शाहजहांपुर के अंदर, सिटी के अंदर एंट्री करते हुए। भाई वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब प्लीज कर देना भाई।